आज सारा सोलन सुगंधा की कामयाबी पे गर्व महसूस कर रहा है। सुगंधा ने पुणे से फैशन डिजाइनिंग की डिग्री हासिल की, उसके बाद कुछ अलग करने के उद्देश्य से सुगंधा ने मुंबई का रुख किया। हजारों अड़चने होने के बावजूद वे हिम्मत नहीं हारी और आज वे मुंबई में कामयाब सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट के रूप में जानी जाती हैं। सुगंधा ने बताया कि मुंबई में काम ही उनकी पहचान बन चुका है। आज वे काफी टीवी सेलिब्रिटीज के साथ काम कर रही हैं। आजकल वे सुप्रसिद्ध कॉमेडी क्वीन भारती की वेडिंग में स्टाइलिस्ट की सेवाएं दे रही हैं, जिसमें वे दिन रात कार्य कर रही हैं। उन्होंने बताया कि वे टेली स्टाइलिंग का पड़ाव पार कर चुकी हैं और अब वे बॉलीवुड स्टाइलिंग में जाना चाहती हैं। उन्होंने कठिन मेहनत और लगन को अपनी सफलता का मूल मंत्र बताया और कहा कि कैरियर की शुरुआती दौर में सभी को हताशा हाथ लगती है, लेकिन उससे विचलित नहीं होना चाहिए और जो इस पर विजय पा लेता है सफलता उसी के कदम चूमती है। हर एक एक्टर को जैसे पर्सनल स्टाइलिस्ट चाहिए होती है, तो एक एक्टर से स्टार्ट किया और मेरा वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज्यादा था, तो एक एक्टर को पसंद आया, दूसरे एक्टर को आया, तीसरे को, फिर मैंने म्यूजिक वीडियोज करनी शुरू की, तो म्यूजिक वीडियोज में डिफरेंट डिफरेंट सिंगर्स से मिली, तो नेहा कक्कर जैसे आप लोगों को पता ही है बहुत फेमस है, तो नेहा कक्कर की पर्सनल स्टाइलिस्ट बनी मैं सबसे पहले। उस भी रिसेंटली मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है भारती, जो आप सबको पता है भारती सिंह जो लाफ्टर क्वीन है, आप देखते हो गए कॉमेडी जंगल और ये सब, तो अभी उनकी वेडिंग है दिसंबर में, तो उनकी पूरी वेडिंग की स्टाइलिंग मैं कर रही हूँ, उनकी और उनके हस्बैंड की। एक ही एम लेके चलती हूँ मैं कि काम करना है तो बहुत मेहनत से करना है, रात में भी जागना पड़े तो जागना पड़ता है। हर्डल्स ये कि हमारी इंडस्ट्री में टाइमिंग नहीं है, आपको पूरे 24 आवर्स भी जागना पड़ता है, 48 आवर्स भी जागना पड़ता है, बट ये कि आपको कभी भी रात को 3 बजे भी फोन आ जाता है कि हमें कल के लिए कपड़े चाहिए, तो एक्टर्स के लिए आपको रेडी रहना पड़ता है कि 3 बजे भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फोन। तो अगर स्टाइलिस्ट बनना है तो मतलब घर को भूलना पड़ेगा, ऐसा होता है, मैं भी घर को भूल चुकी हूँ। इस तरह जब बेटियां आगे बढ़ती हैं और कामयाब होती हैं तो वे और बेटियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती हैं, और आज यही वजह है कि सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट बनकर वे सोलन में खुद सेलिब्रिटी नजर आ रही हैं। युवतियां उनसे जुड़ रही हैं और सुगंधा भी उनका मार्गदर्शन कर रही हैं।